विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। गौरी पुत्र, स्वर्ग लोक की अनुशासनहीनता की दशा देख ऋषि दुर्वासा भयंकर कुपित तो थे ही, इसी मध्य लौटते समय मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से भी हो गई। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर आप यहां? हाँ देवराज इंद्र, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट देने के विचार से ही आया था, और स्वर्ग लोक की दशा देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वास्तव में आपको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे पास नगों और मूल्यवान धातुओं की अनेक मालाएं हैं, तो फिर मुझे इस पुष्प माला की क्या आवश्यकता है जो कुछ ही समय में मुरझा जाएगा। हाँ, कदाचित मेरे सखा, मेरे वाहन गज श्रेष्ठ रावत को यह अत्यंत प्रिय है। रावत, मुझे अत्यंत खेद है ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है मेरे गजबों के रावत को भी आपकी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इसे तो ये माला अब तनिक भी नहीं भा रही। अहंकार, ये तो सर्वथा अनुचित है। ऋषिवर, स्वर्ग में आगमन हेतु आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु मुझे इस समय प्रस्थान करना होगा। स्वर्ग लोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, मुझे अविलंब स्वर्ग लोक की रंगशाला की ओर बढ़ने की अनुमति दीजिए। अनुशासन और अपने कर्तव्य को भूलकर नृत्य क्रीड़ा में ही मग्न है। ये क्या, हमारे इतने प्रयासों के उपरांत भी हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्या कर अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं और अग्निदेव उनके आह्वान को अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सृष्टि में यज्ञ आदि कैसे संपन्न होंगे? हे वायुदेव, रक्षा कीजिए इन दिव्य वायु से। वायुदेव भी अपने समस्त दायित्व भूलकर यही स्थित है।
वरुण देव और सूर्य देव भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं। ऋषिवर, किस विचार में डूबे हैं आप? प्रभु जल दीजिए, वर्षा कीजिए हे इंद्रदेव, हमारी गुहार सुनिए। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे आज्ञा दें। रावत, हे राजेंद्र, हे राजेंद्र, अपने कर्म का फल तो लेते जाइए। आपने स्नेह पूर्वक दिए गए उपहार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है। और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के चरम का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। आप सभी देवताओं के व्यवहार का तो क्या, कर्म धर्म और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया है और आप अभी भी कर रहे हैं। जिस समय जगत कल्याण हेतु आपको तेज सभा में होना चाहिए, उस समय आप क्रीड़ा और आनंद के लिए रंगशाला में उपस्थित हैं। जब जगत के प्रत्येक भाग से पीड़ित मनुष्य देवताओं से सहायता की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ स्वर्ग लोक में आप देवताओं के कानों में मात्र और मात्र अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंज रही है। कदाचित मुझसे ही आपकी योग्यता पहचानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को दिव्य माला का उपहार नहीं अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए, घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड। सभी देवताओं को शाप देता हूं कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्ग लोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख समृद्धि धन तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल का समस्त देवताओं को क्यों दंड दे रहे हैं आप? वो भी इतना कठोर दंड, इस प्रकार तो हम समस्त देवता अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यही उचित होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसमें अनुशासन नहीं होता वो किसी भी सुख के योग्य नहीं होता।
ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अकस्मात हमारे वस्त्रों के रत्न आभूषण क्यों लोप होने लगे हैं? देवी लक्ष्मी, श्रीहीन होकर असहाय और दयनीय अवस्था में आ गए। वैकुंठ और स्वर्गलोक दोनों ही निस्तेज हो गए। गौरी पुत्र, प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं के प्रिय आराध्य हरि नारायण भी श्रीहीन हो गए, क्योंकि श्री अर्थात देवी लक्ष्मी को उनके निकट से भी लुप्त होने पर विवश होना पड़ा। इसलिए ना वैकुंठ में अब कोई आभा शेष थी और ना ही स्वर्ग लोक में। आक्रमण करो, पराजित कर दो निर्बल देवताओं को। ये कैसे दुर्दशा हो गई हमारी? श्री विहीन होकर हम अपनी शक्ति भी खो चुके हैं और इन असुरों को स्वर्ग में प्रवेश करते देखने के लिए हम विवश हैं। श्री हीन देवताओं, स्वर्ग पर अब तुम्हारा नहीं हमारा अधिकार है। हम असुर यहाँ से निष्कासित करते हैं तुम्हें। आप यही सोच रहे हैं ना गौरी पुत्र, कि देवता तो मात्र श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन धनहीन हुए थे, फिर वो स्वयं को शक्तिहीन भी क्यों मान बैठे थे? नहीं नहीं लंकेश, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि श्री का अर्थ मात्र धन लक्ष्मी नहीं अपितु अष्ट लक्ष्मी है। गौरी पुत्र तो मुझे अपने ज्ञान से चकित कर देते हैं। जो श्रीहीन होता है उनसे अष्टलक्ष्मी माता विलग हो जाती हैं। जो अष्टलक्ष्मी देवियों में प्रथम है वो है माता आदि महालक्ष्मी अर्थात सौभाग्य की देवी, जिनकी कृपा से ही किसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिनी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। अष्ट लक्ष्मी माताओं में द्वितीय है माता धान्य लक्ष्मी, भोजन और कृषि से उत्पन्न समृद्धि की देवी है। जिन पर भी धान्य लक्ष्मी माता की कृपा होती है उनके जीवन में अनाज अर्थात भोजन की कभी कोई कमी नहीं होती। मंत्रनुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। तृतीय है माता धैर्य लक्ष्मी, जो माता वीर लक्ष्मी के नाम से भी विख्यात है। ये साहस और पराक्रम की देवी है, जो युद्ध में शक्ति और साहस प्रदान करती है
जिनकी कृपा से हम अपने जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। चतुर्थ है माईति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अष्टलक्ष्मीय नमः। ओम अष्टलक्ष्मीय नमः। इसीलिए श्री हीन हुए देवता माता अष्टलक्ष्मी का आशीष खोकर सौभाग्य धान्य धैर्य ऐश्वर्य संतान विजय विद्या और धन सभी से वंचित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना तो असुरों के समक्ष ही टिक सके और ना ही उन्हें स्वयं पर विश्वास रहा। और फिर असहाय और निराश होकर देवता पहुंच गए अपने प्रिय प्रभु के समक्ष, किंतु उन्हें ये कहां ज्ञात था कि वहां भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। ये क्या, माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ। माता लक्ष्मी से रिक्त वैकुंठ भी आभाविहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे ज्ञात है कि आप सभी श्रीहीन हुए हैं और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई। वैकुंठ अपना तेज निदिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। प्रभु हम पर कृपा कीजिए। प्रभु हम पर कृपा कीजिए। प्रभु हम पर कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए। प्रभु हमारी इस घोर विपदा के समय हमें इस प्रकार निराश मत कीजिए। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। सहायता कीजिए हमारी। देवगण कृपा और सहायता की भिक्षा तो आप उनसे मांगे जिन्होंने आपको इस कठोर दंड से दंडित किया है। प्रभु वो प्रयत्न हम कर चुके हैं। आप ऋषि दुर्वासा के स्वभाव से परिचित ही हैं। हाँ प्रभु, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के अतिरेक में किसी की भी विनती को अनसुना कर देते। हमारी यह दुर्दशा उसी का प्रमाण है। प्रभु मेरे एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। ये सत्य कि ऋषि दुर्वासा कभी कभी अपने क्रोध के आवेग में अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, किंतु आप सभी को अपनी अनुशासनहीनता का परिणाम समझने हेतु श्रीहीन तो होना ही था। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझा सकता है तो वो मात्र ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा लंकेश, तो क्या देवता पुनः ऋषि दुर्वासा के समक्ष जाने का साहस जुटा सके? और क्या ऋषिवर ने ही उन्हें इस विकट स्थिति से पार पाने का कोई मार्ग सुझाया? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वो उपाय तो बता दिया, किंतु उस उपाय को सुनकर देवता तो अचंभित ही रह गए।
अपने पूर्व के भूलों के लिए हमें ऋषिवर से क्षमा याचना कर उनसे हमें विपदा से बाहर आने का उपाय सुझाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैंने अपने कर्तव्य के अनुशासन को भंग किया। उससे भी बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर, मैं अपने कर्म के अनुशासन से भटक गया था। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। हम सभी अनुशासन के पद से पृथक हो गए थे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मैंने अपने कर्म और समय के अनुशासन के साथ साथ व्यवहार के अनुशासन का भी मैंने उल्लंघन किया, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। हमारी समस्त भूलों के लिए, हमारी अनुशासनहीनता के लिए हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए ऋषिवर, कृपा कीजिए। सरलता से प्राप्त हुई क्षमा और वरदान दोनों का ही महत्व है, अधिकतर शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। उनसे प्राप्त हुई सीख शीघ्र ही अपना महत्व खो देती है। इसलिए जिन्हें सहजता से सीख प्राप्त होती है उनके सुपथ के मार्ग से पुनः भटकने की अधिक संभावना रहती है। ईश्वर, हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। धन, धान, धीरज, साहस, ऐश्वर्य, जिसके भी हम योग्य थे वो सब कुछ गवा चुके हैं। ये सीख हम किसी भी मूल्य पर नहीं भूल सकते। हमें ज्ञात हो चुका है श्री कृपा हेतु अनुशासन का पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी अब ये तो अवश्य समझ गए होंगे अनुशासन ही होने का परिणाम श्रीहीन होना, जिसमें तनिक भी विलंब नहीं होता। किंतु अभी भी अनुशासन का पाठ सीखने हेतु आप सभी को अभी और श्रम करना होगा। जिस प्रकार अपने विचारों का मंथन कर आपको अपनी भूल का आभास हुआ है, उसी प्रकार अपनी श्रीहीन अवस्था से मुक्ति पाने के लिए आपको सागर मंथन करना होगा, सागर मंथन करना होगा, आपको सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन, वो भी अपनी शक्तिहीन अवस्था में, हम कैसे संभव करेंगे ऋषिवर? तो इस प्रकार देवताओं की अनुशासनहीनता उनके श्रीहीन होने का कारण बनी, जिसके परिणाम स्वरूप सागर मंथन की स्थिति उत्पन्न हुई। किंतु वो भी देवताओं की इस विकट समस्या का सरल समाधान नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, सागर मंथन सरल कदापि नहीं था। श्रीहीन हुए देवताओं में अकेले ही उसे संपन्न करने का सामर्थ्य नहीं था, तो फिर उनके परम हितैषी श्री हरि नारायण ने सुझाव दिया कि इस कार्य में
उन्हें असुरों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। किंतु असुर अपने चीर विरोधी देवताओं की सहायता भला क्यों करने वाले थे? ये प्रश्न तो देवताओं के भी मन में उठे थे गौरी पुत्र, किंतु ये भी स्पष्ट था कि इस कार्य में उनका असुरों से सहायता लेना अनिवार्य था। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण की चतुराई से प्रेरित होकर सागर मंथन से जो भी निधियां प्राप्त होने वाली थी उन्हें असुरों के साथ बांटने का वचन देकर असुरों के साथ संधि कर ली। तो क्या असुरों ने देवताओं का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लंकेश? असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया गौरी पुत्र, किंतु उन्होंने तो अपनी ही एक योजना का निर्माण भी कर लिया था। सागर मंथन से अमृत भी उत्सर्जित होगा, ये बात देवताओं द्वारा छिपाए जाने पर भी असुर स्वयं उसे ज्ञात कर चुके थे और ये निर्णय भी ले चुके थे कि देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त करने के पूर्व ही उस अमृत को अपने अधिकार में ले लेंगे। और इसी विचार से असुर भी देवताओं के साथ सागर मंथन में जुट गए। फिर क्या हुआ लंकेश? तब क्षीर सागर के मंथन हेतु मंदार पर्वत को मथनी एवं नागराज वासुकी को मथनी की डोरी बनने हेतु उनसे अनुरोध किया गया। फिर आरंभ हुआ उस अकल्पनीय अद्भुत घटना अर्थात महान सागर मंथन का, जिसमें देवता और असुर सम्मिलित रूप से भागी बने। असुराग बलि की, असुराग बलि की, असुराग बलि की। से प्राप्त की गई विद्या, दया और दान का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए सुपात्रों को ही इनका अधिकारी बनाना चाहिए।